इंडिया में 5 ऐसी गाड़ियां जो लॉन्च होने के बाद 5 साल में ही बंद हो गई, तो आज मैं आपको उन्हीं कारों के बारे में बताऊंगा। टॉप लिस्ट प्रोवाइडर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें नई नई वीडियो देखने के लिए। होंडा BRV, इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था सन 2016 में, लेकिन यह गाड़ी फेल हो गई थी क्योंकि होंडा की ही मोबिलियो एक काफ़ी बेहतरीन MUV गाड़ी थी। उसमें आपको काफ़ी ज़बरदस्त कंफर्ट मिलता था। इस गाड़ी को इंडिया में 2020 में बंद कर दिया गया जब से BS6 इंजन नॉर्म्स आया था। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों के ऑप्शन में 1.5 लीटर पेट्रोल और 1.5 लीटर डीजल इंजन मिलता था। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था। गाड़ी के फीचर्स की बात करें, इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, एयर क्वालिटी कंट्रोल, रियर AC वेंट, नेविगेशन सिस्टम, स्मार्ट एक्सिस कार्ड एंट्री, वॉइस कंट्रोल जैसे बेहतरीन फीचर्स गाड़ी में मिल जाते थे और 9,52,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती थी। फिर आइए मारुति बलिनो RS। ये हैचबैक गाड़ी थी। ये कार बिल्कुल बलिनो की तरह ही थी। कुछ लोगों को तो इस गाड़ी के बारे में पता ही नहीं होगा कि ये गाड़ी कब आई और कब चली गई। ये गाड़ी आपको रेड कलर में मिलती थी। ये बलिनो RS के नाम से आती थी। इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था, सिर्फ एक ही इंजन। इस गाड़ी को लॉन्च करा गया था सन 2017 में। ये काफ़ी बेहतरीन और तेज गाड़ी थी। इस गाड़ी को 2020 में बंद कर दिया गया BS6 इंजन नॉर्म्स की वजह से। इसके इंजन की बात करें, इसमें 1 लीटर टर्बो चार्जर पेट्रोल इंजन मिलता था जो कि 100 BHP को जनरेट करता था। गाड़ी की सेल्स काफ़ी कम थी क्योंकि काफ़ी कम लोग इस गाड़ी को जानते थे और ख़रीदते थे, और ये नॉर्मल बलिनो से महंगी गाड़ी थी। इस गाड़ी में मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था। गाड़ी में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, ड्राइवर एयरबैग जैसे बेहतरीन फीचर्स गाड़ी में मिल जाते थे और 7,88,000 से गाड़ी की कीमत शुरू होती थी। फिर आई वॉक्सवैगन AMU। ये काफ़ी बेहतरीन और सक्सेसफुल गाड़ी थी पूरे वर्ल्ड में, लेकिन इंडिया में ये गाड़ी फेल कार साबित रही क्योंकि लोगों ने इस गाड़ी पर ध्यान ही नहीं दिया। इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी थी, कंफर्ट भी, लेकिन लोगों ने इस गाड़ी को ख़रीदा ही नहीं क्योंकि सब लोग इस गाड़ी के राइवल को ख़रीदते थे क्योंकि वो कार इससे पुरानी थी और इंडिया में लॉन्च करा गया था सन 2016 में और बंद कर दिया गया सन 2020 में। इस गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन और दोनों ही ट्रांसमिशन का ऑप्शन। इसमें 1 लीटर टर्बोचार्ज्ड और 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन, तीसरा डीजल का 1.5 लीटर। गाड़ी में फीचर्स भी काफ़ी मिल जाते थे, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, अलॉय व्हील, मल्टी फंक्शन स्टीयरिंग व्हील जैसे बेहतरीन फीचर्स। गाड़ी की कीमत 5,32,000 से शुरू होती थी। यूँ कहूँ ये पोलो का सेडान वर्जन थी। फिर रेनो कैप्चर, ये SUV गाड़ी थी। इसे लॉन्च करा गया था सन 2017 में और बंद कर दिया गया इस गाड़ी को 2020 में। ये गाड़ी जब लॉन्च हुई थी तब लोगों ने इस गाड़ी को पसंद करा था, जब तो गाड़ी को पसंद करा गया था और सेल्स भी अच्छी थी, लेकिन बाद में इसके प्राइस में ज़्यादा अच्छी गाड़ियाँ लॉन्च हो गई थी तो इस गाड़ी को लोगों ने इतना ख़रीदा नहीं। ऐसो गाड़ी में डीजल और पेट्रोल दोनों इंजनों का ऑप्शन, मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता था, 1500 CC का पेट्रोल और 1500 CC का डीजल इंजन। गाड़ी में फीचर्स भी मिल जाते थे, रियर काफ़ी अच्छे मिल जाते थे, रियर विंडो वाइपर, रियर विंडो वॉशर, अलॉय व्हील, रियर स्पॉइलर, जिससे गाड़ी की लुकिंग काफ़ी अच्छी लगती थी बैक की। गाड़ी की कीमत 9,49,000 से शुरू होती थी। फिर आइए टाटा टियागो GTP और टिगोर GTP। टाटा टियागो GTP और टिगोर GTP हैचबैक और सेडान वर्जन थी GTP का। इन दोनों गाड़ियों को 2017 में लॉन्च करा गया था और बंद कर दिया गया गाड़ी को 2020 में BS6 इंजन नॉर्म्स की वजह से। ये कार टियागो टिगोर GTP जो वर्जन था, इसमें टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता था इसमें, और कलर अलग मिलता था, टिगोर में वाइट कलर और इसमें टियागो में रेड कलर। इन दोनों गाड़ियों में 1.2 लीटर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन मिलता था और गाड़ी को बंद कर दिया गया क्योंकि इस गाड़ी की सेल्स इतनी नहीं हुई। तो ये 5 गाड़ियाँ वो हैं जो आई और चली भी गई, पता भी नहीं लगा।